गाय 3.5 साल की है। अच्छा। और दूध हम लोग निकालते नहीं उसका एक भी बार। हाँ। वो कम से कम 3 से 4 बार दूध पीती है दिन में। पुणे में आपने एक फ्लैट में यहाँ पर नीचे आप इनको पाल रहे हैं, समस्या नहीं है? ये लोग कुछ कहते नहीं है? समस्या आई है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। ये सप्तरंगी आर्क है। इससे क्या होगा? सप्तरंगी आर्क सप्तरंगी का कैंसर में चल जाता है। हाँ। बीपी वगैरह में भी चल जाता है। अच्छा। पाषाण भेद का किडनी स्टोन में वगैरह चल जाता है। ये कुमकुम से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण अभी हमारे बच्चियां भी यही लगाते हैं। पुणे शहर के बीचों बीच मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के नीचे बंधी रहती है 2 ब्लैक कोंकण गिद्धा गाय। ये गायें बिना दूध के भी 60,000 रुपए कमा कर देती हैं। ऐसा कैसे होता है ये आप आगे जानेंगे। पुणे के सुख सागर नगर में गौराष्ट्र यात्रा के दौरान हमने ये अद्भुत नजारा देखा तो हैरान रह गए। कुछ देर बाद एक शख्स स्कूटी पर चारा लेकर सोसाइटी के अंदर दाखिल हुआ। स्कूटी को पार्क कर वो उस चारे को हाथ में उठाकर सीधे अपने फ्लैट की ओर चल दिए। अपने फ्लैट की बालकनी में उन्होंने उस चारे को संभाल कर रख दिया। कुछ देर बाद वो अपनी गायों के बीच लौट आए। इनका नाम है अमर पंढरीनाथ ढगे। अमर जी को मार्टी इंडिया ने देखा तो उत्सुकतावश उनसे बात शुरू कर दी। ये अमर सिंह भाई साहब की कार है और इसमें गौ माता का इन्होंने गोबर से ये एक सिंबल बनाया हुआ है, चिन्ह बनाया हुआ है। और ये पिछले 1 महीने से ऐसा ही है, कई बार धुल चुका है लेकिन ये चिन्ह ऐसा ही बरकरार है। भाई साहब, कैसे आपको लगा कि आपको गाय पर काम करना चाहिए? पहली बार आपने के दिमाग में ऐसा ख्याल कब आया और क्यों आया? 2018 में जैसे गाय का महत्व समझ में आया, उसी वक्त तय कर लिया था कि वो आधारित ही हमें काम करना है। और कैसे समझ में आया, मतलब कि 2018 में ऐसा क्या हुआ अचानक? ये सुभाष पालेकर जी का जो शिविर किया था, उन्होंने गाय का जो महत्व समझाया तो उन्होंने इतना अच्छा समझाया और खेती के आधारित समझाया। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि गाय के ऊपर ही हम लोगों को काम करना है। तो उसके बाद हमको एक मैसेज आया था शिविर का, तो शिविर अटेंड करने के बाद वो पूरा टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ का। उसमें पंचगव्य के उत्पाद, नंदी संवर्धन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अच्छा, और तो आप हमें जरा वो गायें दिखाएं जिनसे आप ये सब काम कर रहे हैं। आइए, ये कोकन गिड्डा गाय है और अच्छा। ये उसी की बछड़ी है, वो 15 महीने की है अभी। बछड़ी 15 महीने? हाँ। और ये गाय कितने महीने की? गाय 3.5 साल की है। अच्छा। और दूध हम लोग निकालते नहीं उसका एक भी बार। हाँ। वो कम से कम 3 से 4 बार दूध पीती है दिन में। जो बछिया है। हाँ। जो है 3 से 4 बार दूध पीती है। अच्छा, ये आप ये बताइए, कोंकण गिद्धा तो इतनी पॉपुलर गाय नहीं है। हाँ हाँ। लोग गिर गाय पर काम करते हैं, साहिवाल, थारपारकर, कांकरेज पर काम करते हैं। आपने कोंकण गिद्धा ही क्यों चुनी? ये थोड़ा सा कोकन का अभी समस्या क्या हो रही है, उनके बच्चे वगैरह सारे मुंबई में काम को वगैरह जाते हैं। हाँ। तो ये ब्रीड थोड़ा सा दुर्लक्षित वगैरह हो रही है। हाँ। तो इसी के ऊपर इसका गोमूत्र और जो गाय दूध कम देती है उसका गोबर गोमूत्र अच्छा, ज़्यादा औषधि गुणधर्म ज़्यादा होते हैं, ये पढ़ाया गया था। अच्छा। तो उसी के हिसाब से और ये गाय हमको लकीली मिल गई। मिल गई तो कहाँ से लेके आए? ये शिरूर की गौशाला में आए थे, कैंसर की औषधि दी थी तो उस व्यक्ति ने हमको ये गाय। देखिए, कपिला गाय और बछड़ी है दोनों, लेकिन यहाँ पर पुणे में आपने एक फ्लैट में यहाँ पर नीचे आप इनको पाल रहे हैं, समस्या नहीं है? ये लोग कुछ कहते नहीं है? समस्या आई है लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। तो समस्या तो आएगी क्योंकि उनको इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है, तो अभी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन सारे लोग हमको आजू बाजू वाले सारे सपोर्ट करते, घुमाने भी लेके जाते, तो 2-3 प्लॉट है। बारिश में जब बहुत सारी घास उगाती है तो लोग बोलते हैं उधर छोड़ दो गाय। तो आप घास वास का इंतजाम से क्या क्या खिलाते हैं? अभी गर्मी के दिनों में हम लोग मक्का वगैरह लेके आते हैं, 9 किलोमीटर यहाँ से मिलता है, गड्डी मिलती है। और दिन का इनका बीट वगैरह खिलाते हैं हम लोग, भूसा होता है। और अवला वगैरह जो है शरबत बनाते हैं,
उससे मावा भी बनते हैं, च्यवनप्राश भी खिलाते हैं कभी। क्या बात है, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। पुणे शहर के बीचों बीच ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा ये कभी सोचा भी नहीं था, और जब इस डायरेक्शन में आ रहे थे तो मन में कई ख्याल थे कि पता नहीं किस किन से मुलाकात होगी। एक गाय पे हमने सुना था 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो भी बिना दूध के, तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के इनसे मुलाकात हुई तो देख के यकीन हो रहा है। आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, आप आइए कि कैसे गाय आने के बाद यहाँ की पूरी सूरत बदल गई है। आप देखिए, मेरी नज़र पड़ी है जय गौ माता इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर कई श्लोक भी लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ क्या गोबर का लेपन किया भाई साहब? हाँ, पिछले साल जब गाय आई थी हम लोगों ने सिर्फ इसकी स्लरी बनी पानी में मिला के और बच्चे लोगों को पुताई करने के लिए बोल दिया था। अच्छा, और ये काफी बाकी कुछ मिला है नहीं तो और टिक जाता है। अच्छा, तो क्या क्या किससे लेपन किया है? ये गोबर का लेपन है सिर्फ, और ये सफेद वाला ये चुना है। चुना तो ये बच्चों ने कर दिया? हाँ, बच्चों ने कर दिया। देखिए कितने सुंदर गौ माता का चित्रण किया है, और श्लोक लिखा हुआ श्री गाय स्वर्गेश्य सोपानम गाय स्वर्ग स्वर्गे पी पूजिता गाय काम देहो देवियो मान्यत किंचित पर स्मृतम। इसका मतलब क्या होगा? इसका गाय जो है स्वर्ग में भी पूजी जाती है। अच्छा, ये इसका मतलब है। क्या बात है, बहुत देखिए पुणे शहर के बीचों बीच किसी दीवार पर, वो भी किसी सोसाइटी के अंदर ऐसा लिखा होगा, ये सोचा नहीं था। और इनका रहने का निवास आपने यहाँ पर बनाया? हाँ, यहाँ पर एक है। हाँ। दो बार हम लोग बदलते हैं उनकी जगह। अच्छा, देखिए पार्किंग स्थल होता है अमूमन ऐसे सोसाइटीज़ के नीचे, लेकिन यहाँ पर अमर भाई साहब ने ये इनके लिए एक छोटा सा गौशाला का निर्माण किया है। रात को हम लोग पूरा बिछौना बिछाते पोते का। हाँ। एक 10-12 पोते बिछा देते हैं, मतलब आराम से बैठती है गाय सुबह। अच्छा अच्छा, ये हांडियाँ क्यों लगाई भाई साहब? ये शुरुआत में जो गाय वगैरह ने थी तो चिड़िया के लिए लगाया। अच्छा, मतलब पहले से ही प्रकृति से जुड़े हैं आपका। 2015 में वगैरह जब हम लोगों ने 500 पेड़ों को अडोप्ट किया था। अच्छा, और इन बोरों में क्या है? ये घास है, कुट्टी है। कुट्टी है, सूखा चारा। सूखा चारा। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब हम यहाँ से ऊपर भी जाएंगे भाई साहब से, इनके पंचगव्य के जो उत्पाद हैं उन पर भी बात करेंगे और देखेंगे उनसे क्या क्या आम जनता को फायदा होता है। तो चलते हैं ऊपर। चलिए, अमर जी की पत्नी, बेटी, भाई सभी गाय का भरपूर ख्याल रखते हैं, खान पान में कोई भी कमी नहीं रखते। परिवार के समर्थन के बाद ही अमर जी पंचगव्य के उत्पादों पर शानदार काम कर रहे हैं। वो कई प्रकार की औषधियां बनाते हैं जो अनेकों रोगों में काम आती हैं। कैंसर तक के मरीज उनके यहाँ रोज सुबह स्पेशल अर्क लेने पहुँचते हैं। अब आगे अमर जी के पंचगव्य के उत्पादों के बारे में जानकारी लीजिए। कैसे पंचगव्य से निर्मित चीजों पर आपने कार्य शुरू किया, ये कब हुआ और क्यों हुआ? ये 2018 में हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो भी औषधि बनाई हम अपने खुद पे और घर वालों पे प्रयोग किया, और उसके सफल होने के बाद मित्र में वगैरह वो सब सारी चीज़ें चालू कर दी। फिर वो फैलते गया, फिर बाहर वाले भी आने लगे उसके लिए, और उनको लोगों को कैसे रहता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो उन्हें आएंगे। अगर ये सारी चीज़ें चल रही है इसका मतलब है उनको रिजल्ट आ रहा है। तो माउथ पब्लिसिटी से ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। मैंने मुझे अभी जो इंटरव्यू वगैरह ऐसे कभी मैंने दिया नहीं, और मुझे वो इतना मैं कंफर्ट में नहीं रहता हूँ। लेकिन बावजूद उसके ऐड ने बिगर ऐड के वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, सिर्फ वो गौ माता की कृपा। और अगर हम लोग अच्छी तरह से सात्विक चीज़ें बनाते रहेंगे ना गौ आधारित, तो निश्चित उसका लाभ होगा, और लाभ होगा तो लोग आएंगे। क्योंकि पुणे जैसे सिटी में अगर समझो अभी 60 लाख लोग संख्या है, इधर 100 लोग भी आते हैं ना रोजाना, तो हमको खाने का समय नहीं मिल सकता। इतना काम हो सकता तो है। तो आपने भी मेरे को बताया कि सबसे पहले आपने घर वालों पर ही इसका उपयोग किया, तो भाभी जी नाराज नहीं हुई क्या? ये गोबर गौमूत्र से बनी हुई चीजें ले आते हैं आप? शुरुआत में दिक्कत आई, ये क्या पागलपन, पागल हो गए क्या ऐसा मेरी माँ को बोलने की। उसमें मेरे 6 महीने पूरा लग गया पूरे घर को सुधारने में, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी खाना खा रहे हैं, अभी 5:30 बजे वापस खाते हैं, रात का थोड़ा सा कम खाते हैं। ये सारी दिनचर्या बदलने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन जैसे उनको फर्क समझ में आया, एक दिन उसका पेट दुख रहा था तो रात को रोने लगी थी, तो पंचगव्य का वो घी जो बनाया था बचा हुआ वो मैंने उनके नाभि में डाल दिया, तो 10 मिनट में उनका पेट दर्द कम हो गया, फिर वो इधर शिफ्ट हो रहा है। तो आप क्या क्या उत्पाद है थोड़ा इनका, और किस उत्पाद का क्या फायदा है, ये आप
शॉर्ट में आप बताएंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और फायदा भी होगा। ये अर्क है, इस अर्क का बताते भी जाइए, पाषाण भेद अर्क है। अर्क का इस्तेमाल भी थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए, पित्त जिसको नहीं उसको ही देना चाहिए, पित्त दोष मतलब पित्त दोष जिसमें उसको नहीं देना चाहिए। ये पित्त दोष जब नहीं होता है तो सुबह पी सकते हैं, और जिसको पित्त बढ़ा हुआ वो खाना खाने के बाद देना है। ये सप्तरंगी अर्क है, इससे क्या होगा, सप्तरंगी सप्तरंगी का कैंसर में चल जाता है, बीपी वगैरह में भी चल जाता है। अच्छा, पाषाण भेद का किडनी स्टोन में वगैरह चल जाता है। ये कुमकुम से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण अभी हमारे बच्चियां भी यही लगाते हैं, तो हार्मोन इम्बैलेंसिंग का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम कम हुआ है उससे। ये अलग अलग घनवटियां बनाई हम लोगों ने, इन घनवटियों का क्या इस्तेमाल है, गोमूत्र आर्क के साथ इसका भी प्रयोग अच्छी तरह से हो जाता है और ये खाने में भी आसानी हो जाती है। ये भी घनवटी है, ये भी घनवटी, सप्तरंगी, एक 8-10 प्रकार की घनवटी बनाई हम लोगों ने। और ये गोमय तेल है, गोमय तेल, हाँ, इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसका कान के जो परेशानी होती है उसमें वो अच्छी, ये अमृतधारा, अमृतधारा सबको परिचित है। अच्छा अच्छा, ये सर्दी उल्टी दर्द इन सब विषयों में, बिल्कुल, ये नेत्र औषधि, कोजागिरी पूर्णिमा में का जो हम लोग गोमूत्र पकड़ते, ये केस तेल, ये केस तेल मतलब झड़ते हुए बाल, हाँ, लेडीज में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जेंट्स में थोड़ा सा दिक्कत, तिल तेल, नाल तेल, गायचे दूध, अच्छा गाय त्रिफला, ये सारी चीजें, कपूर, कचरी, ये सब जटामासी के इस्तेमाल से ये बना हुआ है। और ये दंत मंजन, अग्निहोत्र होता है नित्य, उसका भस्म से उसका बेस रखा है। और ये आंवला शरबत आपने एक बनाया है, ये तो आंवले को कैसे किया है इसको आपने, इसका आंवले का रस निकालते हैं, उसके बाद 1 लीटर आंवले के रस में 2 किलो दोरा खड़ी शक्कर यूज करते हैं। दोरा खड़ी शक्कर में उसमें क्या होता है, फिर एक ग्लूकोज और विटामिन सी होने के बाद इंस्टेंट एनर्जी आता है, तो इसमें 50-60 ml ही लेना है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। और इसका हमको रोजाना इसका ऑर्डर रहता है। अच्छा, तो आपने जो आपने पंचगव्य की और ये आयुर्वेद से आप करीब गए, तो उसके आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद सेशन कैसे, उसके बाद क्या हुआ? जैसे गाय आई अपने यहाँ गौशाला में वगैरह, एक पोस्ट आई थी ट्रेनिंग के लिए, तो उधर मैं बिना सोचे वगैरह, मतलब डाउट नहीं किया मैंने उसके ऊपर, डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए गया उधर, और नासिक को जुगनू परदेसी जी के, जुगनू जी के, हाँ, तो वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उधर उन्होंने इतने बेहतरीन समझा, अभी उनके और हमारा घर जैसा रिलेशन बन गया। कोई भी दिक्कत आती, क्योंकि चिकित्सा में हम लोग नए होते हैं तो एक फीडबैक होना जरूरी होता है, जो उन लोगों से काफी मिला है। तो आप ये गौ आधारित चीजों से महीना कितने रुपए कमा लेते हैं, और क्या इसके अलावा आप कुछ और भी करते हैं? मेरा टी शर्ट प्रिंटिंग का यूनिट है, और इसके इससे मेरा ये घर का जो 54,000 का हफ्ता है वो इसी से निकल रहा है अभी। देखिए, बहुत बढ़िया काम है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, और उम्मीद करते हैं ये मुलाकात आप लोगों के लिए काम की साबित होगी। और पुणे शहर में या महाराष्ट्र में जो कोई भी लोग माटी इंडिया को देखते हैं, वो लोग इनके उत्पाद को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और उनको फ़ायदा होगा, ये हमें उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गो माता, जय गो माता, जय गोपाल। आपको आने वाले एपिसोड्स में अमर जी की औषधियों से ठीक हुए कुछ लोगों से मिलवाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको माटी इंडिया का ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।